इन इन इस मार्ग पर खड़े हो जिसने इस तरफ उन्हें तो और आप में से इस तरफ Assalamualaikum and good evening. Yes. Assalamualaikum and good evening. जैसा कि आपको पता है एक बॉस को अपने एम्प्लॉयज के दिल की बात जानने की जरूरत होती है और वो चाहता है कि उसको सारे अपने एम्प्लॉयज के दिल का हाल पता चले और ऐसे ही एम्प्लॉय भी चाहता है कि अपने दिल की बात अपने बॉस तक बता दे लेकिन उसको कोई रिएक्शन भी ना फेस करना पड़े. तो उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है HR Feed, जो एनोनिमसली और यूनोनिमसली दोनों तरीके से आपकी फीडबैक, आपकी एडवाइस और आपकी कंप्लेंट HR तक आगे फॉरवर्ड कर सकती है, जिससे उनका आगे से फीडबैक भी रिसीव कर सकते हैं और उनको कोई भी रिएक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा. इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि HR एम्प्लॉयज़ को इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ऐसे अगर वो अपने सुपीरियर से बात करना चाहें तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, ना उन दोनों का रिश्ता ऐसा होता है कि वो कोई भी बात फ्रेंकली कर सकते हैं और आगे से उनको रिएक्शन का भी डर होता है कि आगे से क्या रिएक्ट करेंगे वो. तो इसके लिए हमें जो फाइनेंशियल मॉडल है इसका पहले तो इसका ये चैट बोर्ड है जो एनोनिमसली क्यूरीज और एडवाइस एडवाइस आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा. और दूसरा फाइनेंशियल ये इंडस्ट्रीज की जो ऑडियंस टारगेट है वो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉयज हैं और आगे तो इसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं पाकिस्तान में. इसके दो पोर्शन इसका एक पहला पोर्शन ये है कि एक एम्प्लॉय अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी और अपना आइडिया एनोनिमसली अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हायर मैनेजमेंट तक पहुंचा सकता है, ठीक है. दूसरा पोर्शन आजकल पूरी दुनिया में रिटेंशन, एम्प्लॉय रिटेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इसमें एक बिल्ट इन AI चैट बॉट होगा जो कि एम्प्लॉय से टाइम टू टाइम चैट करेगा और फिर एक फीड देगा, एनालिसिस फीड देगा कि ये एम्प्लॉय आपको कब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा. ये आइडिया किसका? आपका अच्छा आइडिया. आप लोगों को समझ में आया है? जी सर. सर इसका फाइनेंशियल मॉडल ये केस अच्छा मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ. आप कंपटीशन इन्होंने स्टडी डेफिनेटली रीजनेबली किया हुआ है इतना टाइमिंग में. मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जितने भी दुनिया में HR टूल्स हैं उसमें ये वाला पोर्शन अभी लैक कर रहा है. कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है इसमें पूरा अगर पाकिस्तान की बात की जाए. दोनों स्टूडेंट हैं? नहीं सर, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ और ये स्टूडेंट हैं. हमारे बेसिकली तीन मेंबर्स जो हैं दो और आज ब्लू का ये खाना आप ब्लू पेन के आती मैं सवाल नहीं करता. ओके सर मुझे एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था कि अगर पूरी फैकल्टी मेंबर्स के लिए ब्लू पेन ना हो तो सवाल से मैं मजाक कर रहा हूँ. जेंट्स के लिए तो है लेकिन लेडीज के लिए. आपका नाम क्या? सर मेरा नाम मिस उज्मा है, ये मेरे स्टूडेंट है मोहम्मद जान. आपका नाम उज्मा है? मिस उज्मा तो नहीं जी, मेरा नाम उज्मा रजा है. चल फर्दर मोर सर. और हमारी जो टाइम लाइन है इसको एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 डेज लगेंगी. 90 डेज. अच्छा बस ठीक है, मैं समझ गया क्या कहते हैं. बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी. इसमें सिर्फ करना ही है आपने कि एक तो ठीक है आप एनोनिमस भी फीडबैक दे सकते हो और एनोनिमस भी और आप अपने नाम से भी फीडबैक कर सकते हो. नंबर वन. नंबर टू चैटबॉट की बात की इसमें आपने, ठीक है. जो ताहिर साहब का आइडिया है बहुत अच्छा है, उसमें मजीद ये खुद गुड डालेंगे, मैं नहीं डालूंगा गुड, ठीक है. मैं अपनी तरफ से उसके अंदर ये देना चाहूँगा कि इस चेक बोर्ड को पीछे से अब डेटा देंगे ना, तभी तो वो करेगा मॉडल क्रिएट करेंगे. तो जो कंपनी पॉलिसीज हैं उसका एक
मॉड्यूल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने पूछना है लीव पॉलिसी क्या है, सही, तो आप व्हाई टू कांटेक्ट एचआर, यहीं पे आपने कहा कि व्हाट इज लीव पॉलिसी, व्हाट इज कैजुअल लीव पॉलिसी, मतलब वो टाइम टू टाइम आंसर भी कर सके कि एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप वो चैटबॉट तो करता ही आंसर है ना। एक्चुअली जो करंट कांसेप्ट है उसमें है चैटबॉट क्वेश्चन कर रहा है और वो आंसर दे रहा है, रिवर्स भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन करे कि भाई व्हाट इज एचआर पॉलिसी रिगार्डिंग लीव्स। दोनों इनका जो मैंने कहा इनका जो आईडिया है वो अच्छा आईडिया है, वो अपनी जगह पे, एक मैं आपको इसमें फीड दे देता हूं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि लीव पॉलिसी क्या है, इंसेंटिव का क्या है, डिडक्शन पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये क्या है, वो क्या है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है एचआर को लेकर के, कि अच्छा मैं तो अभी सपोज प्रोबेशन पे हूँ तो मैंने छुट्टी कर ली तो फिर क्या होगा, अच्छा मेरी शादी होने वाली है तो मुझे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है, तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि बजाय मैं एचआर को लिखूं या उसके पास जाऊं उसे पूछूं तो बेहतर है चैटबॉट पे लिखा कि क्या है लीव पॉलिसी, आपको पता चल गया लीव पॉलिसी क्या, ठीक है, तो ये आपको उसको डेटा मॉडल्स जो है वो देंगे, बाकी वंडरफुल है, मुझे आईडिया अच्छा लगा, गुड, कीप इट अप, यहीं काम करके दिखाना है इंशाल्लाह सर, स्टॉप नहीं कर वो भी आ